बैठक ये हो रही है जिसमें ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यूपी सरकार के कई मंत्री और 57 विधायक भी शामिल होंगे। बैठक में 13 सांसद, 3 मेयर भी मौजूद रहेंगे। मिशन 2019 के रोड मैप को तैयार किया जाना है, ऐसा माना जा रहा है। तो आगरा में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश महामंत्री की बैठक में, इस बैठक में वो शामिल हैं। यूपी सरकार के कई मंत्री हैं, 57 विधायक हैं, 13 सांसद हैं, 3 मेयर मौजूद हैं इस मीटिंग में। और माना यह जा रहा है कि 2019 के लिए रोड मैप की तैयारी है। तो आगरा में संघ बीजेपी का मंथन जारी है, जहां पे 2019 को लेके किस तरह से क्रियाशील होना है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे काम करना है, तो ये सारी चीजें इस बैठक में डिस्कस होंगी। और इस बैठक की बात करें तो आगरा में चल रही 57, 13 सांसद, 3 मेयर मौजूद हैं, यहाँ पे मंत्री हैं, तो काफी नजरें बनी हुई हैं सियासी तौर पे देखा जाए इस मीटिंग में, तो काफी मायने निकलते हैं इस मीटिंग के, क्योंकि इस बैठक के जरिए 2019 की रणनीति, उसका रोड मैप तैयार किया जाना है। सज्जन सागर हमारे संवाददाता है इस वक्त फोन लाइन पे, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सज्जन, ये मीटिंग चल रही है, क्या कुछ खास बातें हैं जो इस मीटिंग से निकल के आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए संघ और भाजपा की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के साथ साथ श्रीकांत शर्मा, रामशंकर कटेरिया सहित केंद्र और प्रदेश के तमाम सारे मंत्री इस बैठक में भाग ले रहे हैं। हालांकि कयास अभी यही लगाए जा रहे हैं कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो है इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जी, तो इस बैठक में अगर मुद्दों की बात करें, ब्रज क्षेत्र के काफी मेयर और अधिकारियों को इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? बड़े पैमाने पर मीटिंग हो रही है जिसमें हर तबके से लोगों को बुलाया गया है। बिल्कुल, इसमें हर तबके के जो है लोगों को बुलाया गया है, चाहे तो वो मेयर हो या फिर भाजपा के पदाधिकारी हो, संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, केंद्र के मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो। तो ये एक दिवसीय जो बैठक है आगरा के होटल में आयोजित की जा रही है और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बात की भी चर्चा हो सकती है कि जिस तरह से जो अब दलितों की जो राजनीति हो रही है, दलितों के वोट की जो राजनीति हो रही है, तो भाजपा अपनी जो उसके साथ जो भाजपा का जो हरजन जो वोट है वो जिस तरह से कहीं जो है दूर ना हो जाए, छिटक ना जाए, इसको लेकर भी जो है इस बात पर भी चर्चा होगी। तो क्या यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले जैसे दलित वोट बैंक पे छाने की कोशिश है या फिर उसे रिझाने की कोशिश है, इस पे बहुत दिनों से अंतर कलह की भी स्थिति रही है। अपनी ही पार्टी से साध्वी निकल के आई जो अनशन कर रही थी, विरोध कर रही थी, तो क्या ऐसे भी एक्टिविटीज पे चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पूर्व का जाए तो वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में दलित जो वोट था वो भाजपा के साथ गया था और दलित का समर्थन भी जो है भाजपा को काफी देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जो एससी एक्ट को लेकर जो है एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है दलितों का, तो दलितों और भाजपा को भी एक चिंता है कि कहीं दलित वोट हमसे छटक ना जाए, उसको लेकर भी यह चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पे चर्चा जारी है, मंथन चल रहा है, संघ और सरकार और मंत्रियों की बैठक है आगरा में, जहाँ पे माना ये जा रहा है कि 2019 को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। मुद्दे कई हैं जिसमें दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश बड़ा चैलेंज है। सज्जन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन 2019 के लिए रोड मैप की तैयारी चल रही है, आगरा संघ और बीजेपी समन्वय बैठक है, यहाँ पे कौन कौन से मुद्दों पे काम और करने की जरूरत है 2019 के चुनाव के मद्देनजर, इसकी रणनीति और रोड मैप भी तैयार किया जाना है।